दिल्ली सरकार दिल्ली में विकास के नाम पर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही होती है। हमने आपको पहले भी दिल्ली के कई इलाकों की बदहाली की तस्वीरें दिखाई हैं और अब हम एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। जो बदहाली की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह नरेला विधानसभा के होलंबी खुर्द की हैं, जहाँ की बदहाली को लेकर स्थानीय लोगों ने हमारे ऑफिस में संपर्क किया और यहाँ की बदहाली के बारे में जानकारी दी। उसके बाद हमारे संवाददाता वहाँ मौके पर पहुँचते हैं तो वहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा था जिसे देख आप भी यह कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि दिल्ली सरकार विकास के नाम पर जो डंका बजाती है वह केवल हवाई बातें हैं। इस वक्त मौजूद है होलंबी खुर्द में और आपको बता दें ये जो सड़क है ये होलंबी खुर्द की है और यहाँ पर जो है गड्ढे बने हुए हैं जगह जगह, साथ में स्कूल भी है, स्कूल के गेट के बाहर भी पानी भरा हुआ है। लेकिन जो लोग हैं यहाँ अक्सर गुजरते हैं लेकिन कोई इस ओर ध्यान नहीं देता, ना ही स्थानीय जो नेता हैं वो ध्यान देते हैं, ना ही विभाग इस ओर ध्यान देता है। लेकिन कुछ जो स्थानीय लोग हैं वो अभी यहाँ पर जो हैं वो इस रोड को भर रहे हैं, क्योंकि एक बच्चा है यहाँ पर जो अभी ये नहीं पता कि कौन सी क्लास में और किस तरह तक क्या करना चाहिए, लेकिन वो अब यहाँ पर आकर इस तरह के जो गड्ढे हैं सड़क पर उनको भर रहा है। नाम बताइए। ललित कुमार। ललित, कितनी उम्र होगी आपकी? 15 साल। किस लिए भर रहे हैं आप ये गड्ढे? वो यहाँ बहुत गड्ढे, गाड़ी उड़ी पलट जाती आते समय और यहाँ पानी बोर भर जाता है तो हमें वहाँ से घूम के जाना पड़ता है। अच्छा, इसलिए। तो गांव के और लोग भी जाते होंगे यहाँ से? हाँ। लेकिन कोई कोई और क्यों नहीं डालता? पता नहीं। तो आपने क्या सोचा कि किस तरह यहाँ पर जो है बदलाव? हम ऐसे भी इन्हें फेंक देते, हम यूँ सोचे कि यहाँ के यहीं गेर दो। हाँ, यहीं गेर दो कुछ हो तो सही तो हो जाएंगे गड्ढे भी, इसलिए। तो सरकार को चाहिए कि इस पर कुछ करे? हाँ, सरकार को करना चाहिए, रोड बहुत खराब हो गए हैं। कितने साल से नहीं बना लगभग? अभी हुआ है ये, अभी बारिश में, पहले तो बना था फिर ये गड्ढे हो गए बारिश में। अच्छा, इसलिए। तो क्या सोचा और कितने लोग आपके साथ हैं इस मामले में? कोई नहीं है, बस हम ही थे और वो हमारे घर पे काम चल रहा था तो इसलिए हमने यहाँ घेर दिया। अच्छा, रिक्शा में जो लेके आए थे वो भी यहाँ मौजूद है, नाम बताइए। लाखन जी। लाखन, कब से आप रिक्शा चला रहे हैं और क्या सोचा आपने कि इस किस तरह लोगों की यहाँ मदद की जाए? अरे भैया, हम तो काम जो काम वाले हैं इसी के भैया के पास आए थे, सो मलमा पड़ा था, हमने कही चलो ये कहने लगा गड्ढे में डाल दो, तो हमने कही चलो गड्ढे में डाल देते हैं। हम तो कह रहे जितना ही बढ़िया लगे सुविधा हो जाए आप ही लोगों के लिए, वाहन सब चल रहे हैं। बस आपको बता दें कि लगातार यहाँ से जो है वो बाहरी जो वाहन है वो चल रहे हैं, साथ ही जो क्लस्टर बस चालक है वो यहाँ रुके हैं। बात करते हैं उनसे, पूछेंगे कब से हालात है यहाँ के? ये तो काफ़ी दिन से हालात हैं, 3-4 साल से ऐसे ही रास्ता पड़ा है, ना कोई काम हो रहा, रोड होगा कुछ नहीं हो रहा थी। बारिश में तो बुरा हाल होता है यहाँ पे। सरकार तो लगातार कह रही है कि विकास हो रहा है, तो ये आप ही देख लो ना क्या हो रहा है, सरकार को दिखा दो ना ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा बताइए आप। तो कितना नुकसान होता है आपका जो गाड़ी? ये गाड़ियों को नुकसान होता है सर, क्या करें, कंपनी को भी नुकसान होता है, गाड़ियों को भी नुकसान होता है, हर चीज़ को नुकसान है, ये टाइम वेस्ट होता है, बरसात में पानी होता है, कम से कम 3-4 फुट पानी खड़ा होता है यहाँ पे, कहाँ जाए यहाँ। जो लगातार है यहाँ से वो जो है बसें चलती हैं, आप देख सकते हैं जो हैवी जो व्हीकल्स हैं वो चल रहे हैं यहाँ पर, जो ट्रक्स हैं बस हैं, जो रूट है वो यहाँ से बनता है, अलीपुर और खेड़ा के लिए ये रोड है वो यहाँ से जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है नरेला विधानसभा में चारों तरफ यही हाल है, क्योंकि नरेला विधानसभा के अक्सर जो रोड हैं वो इसी तरह को देखने को मिलेंगे, जहाँ दिल्ली सरकार बड़े बड़े दावे ठोकती है कि चारों तरफ जो है राजधानी दिल्ली में विकास कार्य जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो विकास है वो इस तरह नज़र आता है नरेला विधानसभा में। आपको बता दें कि यहाँ के जो लोग हैं वो लगातार इन्हीं सड़कों से गुजरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि जल्द ही यहाँ पर कोई निर्माण कार्य किया जाए जिसकी वजह से जो गाड़ियाँ हैं चालक हैं वो यहाँ से आराम से गुजर सके। बात करेंगे जो यहाँ से अक्सर गुजरते हैं, कितना नुकसान होता है गाड़ियों में और किस तरह वो यहाँ से गुजरते हैं, नाम बताइए। भाई दिनेश। दिनेश जी, कब से आप लोग इस रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं? जी मुझे हो गए
चार पाँच महीने हो गए हैं ये गड्ढा बहुत हो रहा है और कई भाइयों को परेशानी हो रही है, हमें भी हो रही है और भाई भी हैं और कई तो कई बेचारे गिर गए थे यहाँ, साइकिल वाले भी बेचारे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार को चाहिए कि जल्द ही यहाँ पर यह स्थानीय नेता है या विधायक है वो इस पर ध्यान दें। हरीश आवाज़ ना मेरी। कब से हालात है आगे? दो साल हो गए। तो कभी निर्माण किया देखा यहाँ पर? नहीं, इलेक्शन के टाइम हुआ है। इलेक्शन के टाइम पे अभी एमसीडी इलेक्शन आ रहे हैं ना, बोल रहा हूँ। तो खाली यहाँ पर जो बता रहे हैं लोग आने जाने वाले के बता रहे हैं कि इलेक्शन के दौरान ही यहाँ पर जो है वो निर्माण कार्य किए जाते हैं, उसके बाद किसी और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। दिल्ली से नीति सैन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।